दोस्तों फाइनली जो है बिटकॉइन ब्रेकआउट ले चुका है, और ये ब्रेकआउट में क्या दम है या नहीं है इसकी बात करेंगे, और यहां से फिगर कहां तक बिटकॉइन जा सकता है, और कितना टाइम जो है आप देख सकते हो मार्केट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसोलिडेट होते हुए, और जो लोग फिर से एक बार मिस कर गए हो अपॉर्चुनिटी, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज में, उन सबकी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो का अंतर जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं संजय मिश्रा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं ये बताना चाहूंगा, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ 15 दिन के अंदर सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का, उसमें इनरोल हो जाइए। उसमें इनरोल होने से पहले 45 मिनट्स का एक फ्री वीडियो है, जाके देख लीजिए ताकि आपके एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए। एंड यही नहीं, 2023 में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, इसके ऊपर डिटेल एक एनालिसिस प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहो तो जरूर जाके चेक कर लो, क्योंकि हमें 2023 में भी बहुत अच्छा खासा यहां से भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड यही नहीं, यहां से अगर अगले 2 साल की बात करें तो एक अच्छा खासा आप अमाउंट बना सकते हो। तो वो क्या है, कितना हो सकता है, वो सबके डिटेल जो ऑलरेडी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करेंगे गाइस फाइनली, जब मार्केट में मोमेंटम आता है ना बहुत तेज होता है। कल जब हम इस जगह पे थे मैंने आपको कहा था कि बेस्ट केस सिनेरियो में 27,300-27,400 का लेवल जो होगा हमें रेजिस्टेंस देगा, लेकिन वनडे के चार्ट पे हमें तो देता हुआ नहीं दिखा, सीधा ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट में दम है या नहीं इसकी बात करूंगा, बट अभी आप अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो इस जगह पे मार्केट काफी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, फाइनली ब्रेकआउट लिया लगभग लगभग रात के वक्त। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस जोन था, टेस्ट किया एंड फाइनली ब्रेकआउट मिला। एंड ब्रेकआउट के बाद बहुत तेजी से मार्केट बुलिश हो गया है। तो अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोग को कहा था कि 25,000 के रेंज में एक्यूमुलेशन करना, आपको लगता है कि और नीचे जाएगा वेट करना, लेकिन एसआईपी करते चले जाओ, और अगर किया होगा तो ऑलरेडी आपको ये एंट्री मिल गई होगी। ठीक वैसा ही एंट्री जैसे यहां 20,000 के आसपास हमें देखने को मिला था, क्या ये वैसा ही एंट्री? और अगर यस, तो यहां से बिटकॉइन जो ऑलमोस्ट रैली दिखाया था 57% का, यहां से कितना दिखा सकता है इसकी बात करूंगा। एंड अगर मैं सिर्फ अभी के लेवल की बात करूं, 57% की बात करूं, तो 57% का लेवल भी जो है अराउंड में बिटकॉइन को लेके जाता है 38,000 के नियर बाय। तो क्या यहां पे जाने वाला, नहीं जाने वाला, इसको क्विकली से एक बार एनालाइज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जिस स्ट्रक्चर को हम काफी दिन से जो है मॉनिटर कर रहे थे, मैं बार बार बोला था 25,000 का लेवल टेस्ट होना पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, हो गया। एंड वॉल्यूम जो मिसिंग था वो फाइनली कल के दिन हमें मिल गया ब्रेकआउट के साथ ही। तो मैंने आपको कहा था कि इन सारे वॉल्यूम कैंडल से अबव अगर हमें मिल जाता है तो देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो वो फाइनली वॉल्यूम आके आता हुआ दिख रहा है मार्केट में, एंड डेफिनेटली जो वीकली चार्ट में इसको अभी कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको क्या कहा था, RSI लेवल पे वर्स्ट केस सिनेरियो यहीं पे कंसोलिडेट कर ले, प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, वापस से 25,200 का लेवल रीटेस्ट करता है, लेकिन ब्रेकआउट तो ऊपर बनता है बॉस, और वो बन गया है। अब यहां पे फिर से वही क्वेश्चन कि बाय कहां करना है यार, अब सबर करना पड़ेगा आपको। अगर यहां नहीं किया, इस रेंज में नहीं किया, तो अब सबर करना पड़ेगा। एंड अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो जरूर जो है आपको आइडिया मिल जाएगा, बट अगर नहीं आती है तो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। बट यहां से ऑनवर्ड एक मिनिमम लेवल क्या हो सकता है, कहां पे हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब मोमेंटम आया था मार्केट में काफी तेज आया था, लेकिन इस चैनल के अंदर था, अब इस चैनल के बाहर है, और इस चैनल के बाहर का मतलब है कि हम 80 के आसपास, 90 के आसपास RSI को देख सकते हैं अगले एक महीने के आसपास। और अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन 36,000 को आसानी से ब्रेक करेगा, और हो सकता है 48,000 के नियर बाय भी जाता हुआ दिखे। तो क्या ये इसी फॉलो थ्रू में हो सकता है, इतना दम है? तो आंसर है यस। मैंने इसका जिक्र जो है पिछले वीडियो में भी, पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहा था, बट क्या ये होना तय है, 100% गारंटी है? तो नहीं, गारंटी नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता, हमें रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है। रिस्क खेलो तो इस जगह पे खेलो, और अब मार्केट में रिस्क लोगे तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। डेफिनेटली यहां से देखोगे 15-20% का अराउंड बन जाता है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना बड़ा रिस्क बनता चला जाता है। तो ये रिस्क लेने का वक्त सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट गिर रहा होता है, और वो भी जब अच्छा खासा फंडामेंटल और टेक्निकल आपको बता रहे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो फाइनली ब्रेकआउट मिल गया, अब यहां से अभी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूंगा। यहां पे जिस हिसाब से वॉल्यूम कैंडल बना है, डेफिनेटली जो है 26,000-27,000 का लेवल जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर के लिए, अब जब भी मार्केट नियर बाय आएगा। क्या यहां पे आना गारंटी है? तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक्यूमुलेशन का, वो है 27,800 का। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है बोट, जिनको लग रहा है और उनको घुसना है, तो वेट फॉर दिस मोमेंट, वो कब आएगा वी डोंट नो। उससे पहले 36,000 आएगा, उससे पहले 46,000 आएगा, वी डोंट नो। बट ये लेवल के आसपास मार्केट आज नहीं तो कल
आने के हाई चांसेस बनते हैं। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट हुआ तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए सब कुछ जो है बुलिश टेरिटरी में है, ये जोन बाइंग का नहीं है। अल्टीमेटली जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का भी टाइम नहीं है डेफिनेटली, अभी जो रीसेंट एक्यूमुलेशन जोन हमने देखा था वहां से। लेकिन जस्ट लॉन्ग टर्म में अगर 2 साल 3 साल के हिसाब से देखते हो तो 30,000 के बिलो कुछ भी मिलता है तो बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। और ये पिछले 2 साल से बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन है 30,000 के बिलो। मानो या ना मानो, जब तक प्राइस एक्शन प्ले आउट नहीं होगा तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, बट जब हो जाएगा तब आप कहोगे तो यस बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा कि मार्केट ने कितना लंबा टाइम दिया था 30,000 के बिलो बाय करने का। बट एनी वे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट जो आप देखोगे आरएसआई काफी ज्यादा ऊपर एक्सटेंड हो गया, एंड बाकी के इंडिकेटर भी आप अगर देखोगे फ्यूचर के चार्ट पे, आई टोल्ड यू कि गाइस ये कैंडल के बाद कैसा कैंडल बनता है दैट विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल बुलिशनेस ऑन इट। तो ये एक हैमर कैंडल था, डाउन ट्रेंड में था, कल का दिन था 20 तारीख, 20 जून वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। 20 जून का कैंडल कहां पे क्लोज हुआ इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको पता रहे कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। 20 जून का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 27,500 600 तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी भी हाल में 26,750 डॉलर का लेवल नहीं टूटना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये टूटता है इट मीन्स कि हम अगले 45 डेज तक, अगले 30 दिन तक हम मार्केट ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे, नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल समरी बता दिया, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। कल के दिन का इंपॉर्टेंट हाई भी इंपॉर्टेंट है, लो भी इंपॉर्टेंट है। हाई बनाया था 28,300, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक्यूमुलेशन 27,800 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है आज नहीं तो कल। लेकिन फिलहाल के लिए द वे वी हैव मूव इट्स अ वेरी बुलिश साइन कि हम जो नवंबर में टारगेट लेके बिटकॉइन का बैठे हुए हैं उस तरफ अब बढ़ता हुआ दिख जाएगा बिटकॉइन फिर से एक बार। क्या ये फाइनल मूव हो सकता है? तो मेरी तरफ से आंसर है यस, ये इस साल का फाइनल मूव हो सकता है। यहां से ये कितना लंबा चलेगा लेट द मार्केट डिसाइड, बट वंस वी रीच द क्रिटिकल लेवल लाइक 36,000 एंड अबव देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अगर आपने नवंबर ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि बिटकॉइन आपको फिर से इसी रेंज में दिखेगा चाहे मार्केट कितना भी यहां से ऊपर चला जाए। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेंगे। बट मैंने आपको कहा फ्यूचर के चार्ट पे बहुत अच्छा दिख गया है कैंडल, ऑब्वियसली ये सारा कुछ होता हुआ दिखेगा आपको रिटेल के चार्ट पे भी। इन सारे चार्ट की बात करता हूं क्विकली से। डेली चार्ट पे बिटकॉइन 21 EMA के ऊपर राइड करने लगा, तभी से मैं आपको बोल रहा हूं गाइस गाइस वी आर गेटिंग रेडी, माइट बी वी गेट फ्यू मोर रिजेक्शन बट ये लेवल एक्यूमुलेशन कैन सी हाउ क्विकली इट हैज बिहेव। एंड फाइनली हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर दिया है 21 जून को, यानी यहां से नेक्स्ट कुछ दिन बहुत बुलिश हो सकता है। लास्ट टाइम जब हमारा आज का कैंडल जो होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी ऊपर है, किसी भी हाल में ना आज का कैंडल कल के कैंडल के बिलो नहीं क्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि आपको लग रहा होगा नहीं होगा डेफिनेटली, बट फिर भी मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं बता रहा हूं कि अगर आज के कैंडल जो है कल के कैंडल के बिलो नीचे नहीं क्लोज हुआ, वी विल रिमेन बुलिश इन द नेक्स्ट 30 डेज। लास्ट टाइम भी जो है हमने कुछ ऐसा ही मोमेंटम देखा था, एंड बुलिश तो मोमेंटम आया बट अगले दिन थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल साइडवेज, नेक्स्ट डे क्लोजर नीचे, एंड उसके बाद देख लो मार्केट क्या हुआ। तो नेक्स्ट जो है इंडिकेटर हमारा प्रिंट कर दिया है, एंड ऑब्वियसली ये इस कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने 20 जून की ही डेट इसलिए आपको एडवांस में बताया था कि ये प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल है। अगर मैं बात करूं आरएसआई का, आरएसआई कितना ग्रो कर सकता है, आरएसआई मैंने आपको बोला अब वनडे के चार्ट में मैं 90 तक ग्रो करता हुआ देखना चाहूंगा, स्पेशली द वे वी आर रिकवरिंग ऑन टीएसआई, मैकडी, सकोस्टिक आरएसआई, एवरीथिंग विल रिमेन बुलिश फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। बट हाँ, इसमें क्या कंसोलिडेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये आएगा एक वेव की तरह मार्केट बिहेव करता है। दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव, एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वेव। सो गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट वेव for this entire move, I think as per my analysis ये वाला जो move होगा बहुत sharp होगा, बहुत तेज होगा। weekly chart पे भी एक idea ले लो तो उससे और ज्यादा जो है आपको confirmation मिल जाएगा। weekly chart पे एक जरूर momentum कहूंगा कि momentum lose हुआ, momentum बनने में थोड़ा time लगेगा एज पर सकोष्टिक आरएसआई, बट सकोष्टिक आरएसआई का इंपॉर्टेंस जो है 50 आरएसआई के बिलो जो होता है तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे के लिए। अभी हम अबव 60 के आसपास जो है या 60 के आसपास जो है मेंटेन कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे यहां से वीकली चार्ट पे हमें रिजेक्शन भी मिल सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी हालत में वीकली चार्ट पे रिजेक्शन लेते हैं इस वीक के बाद, देन स्टिल देयर इज अ बैड पेन कमिंग आउट, बट
वो वीकली चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वो सब होने में टाइम लगेगा, बट किसी भी हाल में अगर ये इसके ऊपर क्लोजर ले लेता और अगले वीक का क्लोजर इसके ऊपर मेंटेन कर जाता, इस मंथ का क्लोजर मेंटेन कर जाता 28,000 के अबव, इट मीन्स कि हम बहुत बुलिश हैं जुलाई के लिए भी, जून के लिए तो थे ही, जुलाई के लिए भी। सो दिस इज ऑल यू नो, अभी वीकली चार्ट पे दिख रहा है सब कुछ पॉजिटिव साइड में है, तो तुरंत मार्केट रिकवर करता हुआ दिखता है, बट जब निगेटिव इंडिकेटर होते हैं तो रिकवर करने में टाइम लगता है। तो राइट नाउ एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड सेंटिमेंट डेली बेसिस पे एंड 4 आवर के बेसिस पे भी पॉजिटिव हो गया, तो दैट विल यू नो पंप द मार्केट मोर क्विकली। एंड अभी फिलहाल मुझे जो है कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, ज्यादा कुछ खास मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही बड़ा इवेंट या बहुत ही बड़ा बैड न्यूज आ जाए। सबसे बेस्ट लेवल जो आज के लिए होगा 28,200 के आसपास का लेवल आ सकता है फॉर द कूल ऑफ मैटर, अगर कूल ऑफ होता है चार्ट, जो कि मुझे दिख रहा है। लेकिन याद रखना अभी अबव 70 जो है, अबव 60 जो है, ये सारे लेवल बुलिश ही है चाहे कितना भी करेक्शन आ जाए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। कल का ग्रीन कैंडल, मैं हमेशा कहता हूँ ट्यूजडे का कैंडल ग्रीन होता है, यार ये लॉजिक कब लगाना कब नहीं लगाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इट इज यू नो ये लेवल जो है काफी दिनों से टेस्ट करके ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया एंड बाउंस दे रहा है, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द फैक्ट, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और ये डिनाई नहीं कर सकते तो स्टिल मूवमेंट इज देयर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लेवल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं वो मैं आपको एक आइडिया जरूर देता हुआ चला जाता हूँ। तो इस चार्ट पर अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट लेवल की एंड अगर मैं बात करूँ फेब सीरीज की, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेवल है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इज गोइंग टू बी हैपन 29,685 डॉलर, एंड उससे पहले जो है इस जोन पे 28,000 का जोन जो है मुझे लगता है थोड़ा 1-2 दिन रीटेस्ट करेगा बिफोर वी विल सी द बॉन्स टुवर्ड दिस लेवल। तो क्या हम इस बीच में एक बार और प्राइस एक्शन इधर दिखा सकते हैं 27,970 डॉलर? तो मैंने इसीलिए आपको बोला इस रेंज में एक एक्यूमुलेशन बनता है अगर आता है तो। आज का कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होता है इसके ऊपर तो मुश्किल है, टफ है, लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन इसी के आसपास चलता रहेगा 28,000 के नियर बाय। वही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 29,600 के आसपास है, एंड मार्केट का जो मोमेंटम द वे इट इज प्लेइंग आउट दीज डेज, जो पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट कर रहा है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विल बी अराउंड 34,700, जो आपको मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हो आप। अगर ये चलते हो तो इसमें कोई यू नो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आप कुछ ओवर एक्सटेंडेड देख रहे हो, ऑब्वियसली 48,000 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, 36,000 इज वेरी क्रिटिकल लेवल, बट ये लेवल आपको दे रहा 34,700, सो रिस्पेक्ट करना जब भी वो लेवल रीच हो जाए। क्या इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है, बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल जो इस स्विंग का टारगेट बन सकता है, बट एज पर दिस पैटर्न दिस इज दैट मिनिमम टारगेट 31,000, और वो होता हुआ दिख रहा है। क्या इससे पहले एक रीटेस्ट बनेगा, क्योंकि इट्स अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट बनता है, तो ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट बनेगा तो 27,000 की रेंज में आ सकता है मार्केट, दैट्स वॉट आई टोल्ड यू। बट मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर प्लेइंग आउट, एंड मुझे जरूर जो है रिकवरी दिखेगा इस लेवल पे ऐसा लगता है, बट राइट नाउ इमीडिएटली नहीं लग रहा है, बट स्टिल मार्केट है, मार्केट को प्ले आउट होने दो। बट दिस इज द इंपॉर्टेंट बुलिश चार्ट जो मैंने आपको 2023 के लिए बताया, क्या ये अगले कुछ ही दिनों में प्ले आउट होने वाला है, तो लेट्स यू नो इसको ब्रेक होने दो, अभी ब्रेक हुआ नहीं है, ब्रेक होगा तो पता चलेगा दिस इज यू नो इसका टारगेट क्या है, वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको कवर करके बताया था, तो आप जरूर कल का टीए वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बिटकॉइन के चार्ट पे जो करेंट लेवल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे मैं एक कंसोलिडेशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और सब कुछ ओवर एक्सटेंडेड है, यानी कि साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड मूव रिमेन रहेगा 29,000 के फिगर को बार बार टच करने की कोशिश करेगा मार्केट, सो बी रेडी फॉर इट। और ओवरऑल जो है बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट नो डाउट एक इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे टच करने वाला, जो कि है 51.38, एंड ये क्या इसी हफ्ते हो सकता है? बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, एंड वहां ऑनवर्ड जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 हफ्ते दे दो, उसके बाद बीटीसी पेयर में एंट्री बनता है बॉस, और वो वक्त आने वाला, क्या ये 3-4 हफ्ते होते होते अगस्त वाकई आ जाएगा या उससे पहले मोमेंटम बनेगा, मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा, बट फिलहाल कोई राहत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा था और आपको नजर आया होगा क्या डंप आया ना इथेरियम बीटीसी चार्ट पे और बाकी सारे ऑल्टकॉइन के बीटीसी पेयर में, बट वहीं यूएसडीटी पेयर की बात करूं मेंटेन कर रहा है, वैल्यू मेंटेन कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, बिटकॉइन को पीछे नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैं बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिटकॉइन एक्युमुलेट करो, बिटकॉइन जो है वही सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, अभी उसी का दबदबा रहेगा, ऑल्टकॉइन में भी आएगा, बट बिटकॉइन डोमिनेंस के अलावा मैं अगर बात करूं यूएसडीटी डोमिनेंस, नेक्स्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो 7.35 है, मैंने आपको कल के दिन कहा था 7.90 के बिलो चला जाएगा अगर हम ये लेवल ब्रेक करें, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कहा था, एंड वो बहुत शार्प हुआ, बहुत क्विक यू नो डिक्लिनेशन देखने को मिला जैसे हमने इसको कैंडल को तोड़ा, ऑब्वियसली ये सब होते होते रात के 9:30 बज गए थे, बट स्टिल वी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स,
तो डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा था कि बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है और वो प्ले आउट होगा, हो गया। लेकिन सबसे मेजर सपोर्ट क्या होगा, यहां ऑनवर्ड थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, लेकिन आने वाले डेज में आप मैक्सिमम 7.35 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर वहां पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी कि फिर से वहां पे पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। क्या यहां से भी पुल बैक मिल सकता है? यस, अगर मिलता है तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनती है, क्योंकि फिर हमारा टारगेट इसी तरफ है। लेकिन अगर यहां आने के बाद पुल बैक बनता है तो वो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूंगा, एक अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो भी नहीं, और ऊपर से नीचे आएगा तो भी नहीं। तो दीज आर द लेवल्स जिसके बीच में मार्केट अभी काफी लंबा चल सकता है, बट स्टिल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए मोमेंटम तो बिटकॉइन के साथ है, एंड बिटकॉइन इज डूइंग वेरी वेल। अगर आपने अभी रिसेंटली डिप में बाइंग किया तो आप लोग बताना वीडियो में कमेंट करके नीचे कि कुछ काम आया एनालिसिस या नहीं। एंड वाकई अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, एंड आपके कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पुट ऑन करो। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।